दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूँ ये वीडियो अपने रूम अपडेट से। मैं दिखा देता हूँ कि हमारे रूम में क्या क्या अपडेट हुआ है। यहाँ पे मैंने दो एप्पल स्नेल्स छोड़े हुए थे और इनकी ग्रोथ देखो इतना बढ़ रहा है, काफी बड़ा हो गया है कुछ इन 10-15 दिनों में ही। और ये पानी आप देखो कितना गंदा होता है। मैंने ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आज 70% पानी चेंज किया है, जी हाँ दोस्तों, और 30% पानी मैं रहने दूंगा। मेरे आप इन गोल्ड फिश को देखो दोस्तों, इनकी क्वालिटी भी देखो कितने प्यारे हैं। मैंने इनको हाल ही में छोड़ा हुआ है, 20 days तो हो चुका है अभी। और ये सारे गोल्ड फिश जो ये 2-2 महीने से यहाँ पे है, 2-3 महीने हो गए, छोटे थे बिल्कुल और अभी कितने बड़े हो गए। ग्रोथ हो रही है इनकी बहुत अच्छी। तो इस टैंक में कुल मिलाकर कुछ 6 गोल्ड फिश है हमारे। तो चलो फाइनली मैंने पानी इतना निकाल दिया और अभी मैं नया पानी डालने वाला हूँ। लेकिन मैं फिल्टर आपको दिखा देता हूँ कि फिल्टर कितना गंदा हुआ। और ये जो आप पानी देख रहे हो ये इसी टैंक का पानी है। फिल्टर को हमें सेम टैंक के पानी से ही वॉश करना चाहिए। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी गंदगी हुई है। तो इस टैंक को मैंने 20 days से क्लीन नहीं किया था और बीच में मैंने 20 days के बीच में मैंने शायद पानी चेंज किया था, लाइक 30% ऑफ वाटर चेंज किया रहेगा। लेकिन गाइस फिल्टर ऑलमोस्ट 20 से 25 days में मैं साफ कर रहा हूँ। तो आप देख ही पा रहे हो कि कितना ज्यादा गंदगी आ चुका है। और ये जो पानी आप देख रहे हो इसको आप यूज भी कर सकते हो। आपके घर पे जो भी इंडोर प्लांट्स है या फिर तो बाहर के प्लांट्स है उनमें आप इन पानी को यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलो हमारा फिल्टर तो क्लीन हो गया है और इसको मैंने फिक्स कर दिया और अब हमें यहाँ पे पानी डालना पड़ेगा। और इधर मैं अपने फ्लावर हॉर्न का अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा फ्लावर हॉर्न है और उसके साथ पैरट है। इन पैरट्स को छोड़े हुए आज 20 days से ज्यादा हो चुके हैं और बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हैं हमारे फ्लावर हॉर्न के साथ। ये हमारा VIP काम्फा है और देख पा रहे हो इसकी ग्रोथ जस्ट 20 days में कितना बड़ा हो चुका है और काफी ज्यादा सुंदर हो गया है। एंड इस टैंक में हमारा दूसरा काम्फा है जो इस पैरट के बराबर हो चुका है। ऑलमोस्ट इस 20 days में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। पानी डालने के बाद मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे हमारा अल्बिनो जायंट गुरमी है जो काफी छोटा था और अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है फिर भी। तो इसको भी मैंने हम लोगों ने इस टैंक में सेपरेटली रख दिया है जिसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। इधर हमारा जो प्लांटर सेटअप है इसमें तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है। और ये हमारा श्रिम्स का है जहाँ पे इतनी ब्रीडिंग हुई है, तो इसका भी मैं पानी आज थोड़ा सा क्लीन करने वाला हूँ। एंड देन यहाँ पे हमारा दूसरा वाला, यहाँ पे भी फिश अभी कम है, मुझे डालने हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे बाकी ये सारे ग्लो डैनियोज है जिसमें से काफी सारे प्रेग्नेंट है, एग्स लोडेड है, देखते हैं अभी कब ब्रीडिंग होती है। बेटा फिश टैंक टावर को भी मैं बिल्कुल साफ करने वाला हूँ, क्लीन करने वाला हूँ। सारे के सारे यहाँ से बेटास मैंने निकाल दिया है और अभी इन सेटअप को मैं बिल्कुल ठीक करने वाला हूँ क्योंकि पानी बहुत कम हो गया था। एंड इन बेटास को मैंने यहाँ पे फिलहाल रख दिया है। तो चलो इन टैंक्स में से मैंने पानी तो आधा आधा निकाल दिया है, किसी किसी में तो मैंने 70% वाटर चेंज किया है, देख पा रहे हो। और ये सब मैं सेटअप कर रहा हूँ बेटा फिश टैंक टावर, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मीनवाइल मुझे बनी कार्ट से ये सारे प्लांट्स आए हुए थे, आप देख पा रहे हो उनकी क्वालिटी। मैं सोचा कि कहाँ किसको लगाऊं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग को भी चाहिए सस्ते में प्लांट्स तो प्लीज यहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे जो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों काम करते करते बहुत टाइम हो गया और गोल्ड फिश के टैंक में पानी भी डालना मैंने शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे हो कि पानी मैं फुल करने वाला हूँ यहाँ पर। और इसके बाद मैं आप लोग को एक एक टैंक दिखाता हूँ और उनमें सारे फिश। तो ये हमारा पहला टैंक जिसमें सारे के सारे रिवर फिश है, जैसे कि बाब्स, हनी गुरमीज, वो सारे हमारे फिश है यहाँ पे, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ी देर के बाद खाना देने वाला हूँ। यहाँ पे जो सेटअप हुआ है वो भी काफी अच्छा हुआ है। और ये आप देख पा रहे हैं स्टेट ड्राइड श्रिम्स है और देखना किस तरीके से खाते हैं। देखो झपटना शुरू हो गया है, मैं वीडियो कर रहा हूँ इसलिए शायद थोड़ा डर रहे। यहाँ पे बार्ब हो या कोई भी फिश हो, आप देख पा रहे हो कि हमारे श्रिम्प पे ये कैसे अटैक कर रहे हैं। तो अगर आप ये ऑर्डर करते हो तो मैंने फेसबुक का लिंक तो दे दिया, आप फॉलो कर सकते हो हमें। वहाँ फॉलो करके हमें मैसेंजर पे मैसेज कीजिए, कोई ना कोई आपको डेफिनेटली आंसर करेगा। और अभी ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही आता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है इनको प्रोसेस करना। और अभी आप मैं ये टैंक देख पा रहे हो, यहाँ पे सारे के सारे फिश बिल्कुल एक्टिव है। एंड आप लोग को पता है कि रिवर फिश को कुछ भी खिलाना कितना डिफिकल्ट होता है, उनको पहले एडजस्ट करवाना पड़ता है। और हमारा जो स्टेट ड्राइड श्रिम्स है वो तो एकदम बढ़िया तरीके से खाते हैं, आप देख ही पा रहे हो कि एकदम झगड़ झगड़ कर खा रहे हैं। बार्ब्स तो बिल्कुल अच्छी तरीके से खा लेते हैं। और यहाँ पे आप क्वांटिटी देख पा रहे हो मेरे इस टैंक में, आई नो कि थोड़ा ओवरक्राउडेड है बट सारे के सारे फिश बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ डालने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे 3-4 प्रकार का फिश है, यहाँ पे एक बैडिश भी है और उस बैडिश के साथ एक फीमेल बैडिश भी है, तो आई होप कि वो यहाँ पे एग्स ले करे एंड बच्चे दे। ये हमारा एकमात्र यहाँ पर मेल बैडिश है, बाकी मेल बैडिश तो बाहर है और इसने अभी तक कोई भी टेरिटोरियल मतलब कि एक्टिविटी दिखाई नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। अगर इसने कुछ परेशान किया बाकी फिश को तो मुझे हटाना पड़ेगा और फीमेल शायद पीछे कहीं छुपी हुई होगी। एंड सारे हनी गुरमीज में इतने अच्छे कलर्स आए हैं जैसे कि वाइल्ड में रहता है बिल्कुल वैसा। ये है हमारे इंडोर पॉन्ड एंड बहुत लोग हमें पूछ रहे थे कि यहाँ पे खाना देने से दिखाओ हमें कि फिश खाते कि नहीं। तो यार देखो आप यहाँ पे सारी ये जो आप देख रहे हो ना गुरमीज एंड ये कोई को छोड़ दो, कोई तो खाते ही है वैसे भी राइट, लेकिन जो गुरमीज आप देख रहे हो, बार्ब्स देख रहे हो एंड अलग अलग वैरायटी ऑफ जो रिवर फिश है, सबके साथ हमारे ये फिश ऑप्टिमम खा रहे हैं। अभी मैंने ऑप्टिमम दिया है एंड सेकंड टाइम इनको स्टेट ड्राई श्रिम्स देने वाला, तो दोनों फूड ये बराबर खा रहे हैं। और पीछे छुपे हुए देखो बड़े बड़े वाले भी आ रहे हैं, मैं सामने हूँ इसके वजह से थोड़ा डर रहा है, जैसे मैं दूर चला जाता हूँ ना तो एकदम से खाना शुरू कर देते। देखो कलर्स देखो इनमें। वैसे भी मुझे एक चीज़ करना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है प्लांट्स लगाने हैं, तो वो एक कमी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गुरमीज है। ओके आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मेरे इस अपडेट में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अमेजोन से ये आया हुआ था, एक मैंने सॉइल ऑर्डर किया हुआ है नीमो का है इस बार, तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एक्चुअली, मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये स्टोन वगैरह मेरे पास है, मैं एक प्लांटेड सेटअप कर रहा हूँ, मैंने आई थिंक फोटो वगैरह दिया था आपने देखा रहेगा अपडेट में। तो आप देख पा रहे हो इसका पैकेट ऐसा है, अमेजोन लिखा हुआ है नीमो, ठीक है, एक्वा प्रोडक्ट। इसके पहले मैंने ट्रॉपिका, अमेजोनिया ये सब यूज़ किया था, वो सारे काफ़ी महंगे हैं, लाइक 3000 तक पहुँच जाते हैं। और ये 1800 या 1900 में मिला हुआ है, सेम लाइक 9 लीटर्स के, ठीक है।
तो मुझे देखना है, मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरा टैंक है, तो इसमें मैं करने वाला हूँ प्लांटेड सेटअप। और ये टैंक 1.5 फीट का है और इसका हाइट भी 1.5 फीट है, काफ़ी बड़ा सा लगता है एक्चुअली। और इसको मैंने कॉर्नर पर रखा हुआ है, मैंने पूरा सामान बिखरा दिया, देख पा रहे हैं प्लांट्स हैं बनीकाट से आया हुआ। एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे, ये एक्चुअली टिश्यू कल्चर प्लांट है, ये भी बनीकाट से आया हुआ है, ये हेयर ग्रास है तो छोटे छोटे है, इसको मैं बोने वाला हूँ। सब मैंने खोल लिया एक्चुअली और जेल निकाल दिया, वॉश भी कर लिया, अभी इनको बोने वाला हूँ, होपफुली अच्छे से ग्रो करे। देखो कितना प्यारा है, क्वालिटी भी देख पा रहे हो आप। तो ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, सच बता रहा हूँ, टिश्यू कल्चर में तो बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो स्टोन्स, ये सारे स्टोन्स मैं यूज़ करने वाला हूँ ऐसे सबस्ट्रेट, जहाँ पे मतलब कि हमारे प्लांट को रूट मतलब लगाने में और रूटिंग होने में उनकी बहुत मदद होगी। ड्रिफ्ट वुड वगैरह है और भी है मेरे पास बहुत कुछ, तो मैं सोचा कि क्या क्या करूँ। एक बड़ा सा ड्रिफ्ट वुड भी है, एंड ये ब्रिक्स आप देख रहे हो उसके टुकड़े हैं, ये टुकड़े भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे प्लांट्स के रूट को होल्ड करने के लिए। इसके वजह से जो इनको मैं मिक्स करने वाला हूँ हमारे सॉइल के साथ, अभी जो मैं सॉइल यूज़ करने वाला पता नहीं हूँ अमेज़ॉन का जो नीमो कंपनी का है कैसा रहने वाला है। तो ये टैंक में मैंने कुछ इस तरीके से किया है, मैंने जो है थोड़े बहुत वीडियोस लिए हुए, शॉट्स लिए हुए, इसके नीचे देख रहे हो आप, इसके नीचे पूरा जो है सबस्ट्रेट है और मैं पानी डाल दे रहा हूँ, कुछ मैंने ऐसा सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पे पूरी तरीके से मैं बोने वाला हूँ ये सारे प्लांट्स, और ये बोने के बाद ये थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना लग जाएगा पूरा ग्रो होने में, उसके बाद ही मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखा पाऊंगा। मेरे दिमाग में अभी से चल रहा है अगर ये पूरी तरीके से एकदम लश ग्रीन मतलब ग्रो करेगा ना ये प्लांट्स, तो मैं कौन सा फिश छोड़ूं। चलो उस टैंक को तो सेटअप करके रख दिया है, और यहाँ पे है हमारा कौन सा बेटा फिश टैंक टार। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है बनाने के बाद, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कैसे किया आपने, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने करके रखा हुआ है एक कॉर्नर पे, और भी मैं बनाने वाला हूँ। एंड देन यहाँ पे देख पा रहे हो मैं एक एक करके जो है बेटा फिश छोड़ रहा हूँ, सेकेंड वाले पे मैंने इसको रिलीज़ किया हुआ था, एंड थर्ड वाले पे मैं रिलीज़ करने वाला हूँ, इसको छोड़ देते हैं यस। एंड देन फोर्थ वाले पे मैं सोच रहा हूँ कि एक OHM छोड़ देता हूँ यस, वाइट वाला जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चला गया, क्योंकि आप बैकग्राउंड देख पा रहे हो मैं उस हिसाब से कलर्स चूज़ कर रहा हूँ। मेरा पैरट एंड फ्लावर हॉर्न, अब आप देख पा रहे हो कि ये फ्लावर हॉर्न कितना बड़ा हो गया, ये काम्फा एकदम छोटा सा था और इतना एग्रेसिव हो चुका है। तो ग्रोथ दोनों की बहुत अच्छी हो रही है, और खाना देखो कितना मतलब कि नीचे इनका वेस्ट पड़ा रहता है, मुझे यहाँ पे फिल्टर लगा, लाइक जो स्पंज फिल्टर होता है ना वो लगाना है, तो मैं जल्दी लगा लूँगा। और आप देख पा रहे हो कैसा लगा मेरे फ्लावर हॉर्न, ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। एंड इस टैंक में पानी थोड़ा कम किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा और भी एडिशनल जो है सॉइल डाला हुआ है, ताकि लेयर मोटा कर पाऊँ एंड इन प्लांट्स की ग्रोथ मैं ज़्यादा करवा पाऊँ। और यहाँ पे अभी मैंने बहुत सारे श्रिम्प्स डाले हुए हैं। तो ये दूसरे दिन का है, तो आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे ये जो आप प्लांट्स देख रहे हो कल मैंने बोए थे, सब अभी अपर डायरेक्शन की ओर है, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। एंड इतना लेयर मैंने दिया हुआ है फिलहाल, तो ठीक है पानी कम रखा है, पहले सेट हो जाने देते हैं, उसके बाद प्रोबेबली हम जो है पूरा फुल पानी डाल देंगे। एंड दोस्तों हियर आर माय पर्पस, आप देख पा रहे हो, और अभी मैं जाने वाला हूँ वाटरफॉल, तो मेरा भाई आ रहा है तो उसको लेके मैं जाने वाला हूँ। यहाँ पे 3-4 पफर्स हैं, एंड यहाँ पे बैरी शेक है और कुछ कुछ फिश हैं थोड़े बहुत। एक छोटा सा सेटअप जो अभी हो रहा है अच्छे से, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर सारे जेट ब्लैक घूम रहे हैं हमारे ब्लैक मॉस को, तो ये एक छोटा सा सेटअप है अभी, ये जस्ट मैंने रिसेंटली किया हुआ है, तो उसका भी और सेट करना है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा है, हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल में, बहुत दूर का वाटरफॉल है जहाँ पे पूरा पानी है और यूनिक फिश मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक नया नेट लिया हुआ है वो दिखाता हूँ, और क्या क्या लेके जा रहे हैं वो भी दिखाता हूँ। तो इस बैग में कुछ कपड़े हैं, अगर मुझे नहाने का मन किया तो मैं कर लूँगा, नहा लूँगा वहाँ पे। एंड देन यहाँ पे क्या है, ये अम्ब्रेला, कुछ नेट, और नया नेट किधर गया हमारा, अरे नया नेट किधर है, अच्छा बाहर है क्या, ओके। एक तो ये नेट तो लेना ही है, इसको मैंने वॉश करके रख दिया था, सूख गया पूरा, इसको लेके चलते हैं। ये नेट डाल यहाँ पे डाल अंदर, इसको यहाँ पे डाल दे, इसको बकेट में लेके जाते हैं, मग वगैरह तो फिलहाल है नहीं, चलेगा। और दूसरा नया नेट दिखाता हूँ आपको मैं, दूसरा नेट इधर है, दिखा। ये दोस्तों थोड़ा कॉस्टली नेट होता है, और ये बिल्कुल देख पा रहे हो आप, बहुत ही हाई क्वालिटी का नेट होता है एंड काफ़ी बड़ा, देख रहे हो क्या, नीचे कोई मिट्टी का वो नहीं है, ये पूरा स्टील का है। एंड इसमें काफ़ी अच्छे फिश फंसते हैं और उसको आराम से निकाला भी जा सकता है, और काफ़ी लंबा है ये, अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो यहाँ पे अच्छा लंबा है ये, ठीक है। तो इसी से आज हम लोग करने वाले फिशिंग, एंड साथ में मैं ये भी लेके जा रहा हूँ नेट, तो चलो ठीक है इसको अंदर रखते हैं और चलते हैं। दोस्तों तो हम आ चुके हैं जंगलों के बीच में, और इधर एंड इधर हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कहीं पे हमें कोई पॉन्ड या कुछ रिवर मिलता है जहाँ पे हम फिशिंग करेंगे। जगह बहुत अच्छा है एकदम, देखो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर घुस रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अभी जाएंगे और अभी कम से कम आधा घंटा लगने वाला है गाइस, स्टे ट्यून, इसके साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज। दोस्तों ये है ऑन द वे, मैं लोकेशन आप देख पा रहे हो, ये आई थिंक हम लोग उस माउंटेन पे जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो काफ़ी दूर है, सामने दिख रहा है देखो पूरा क्लाउड से भरा हुआ है,
और जो हम लोकेशन पे जा रहे हैं वो बिल्कुल माउंटेन के बीच में ही है। एंड ये देखो बारिश हो रही है, चलते हैं आगे। दोस्तों लोकेशन तो इतना अच्छा लग रहा है, देखो यार माउंटेन्स में क्या क्लाउड्स है, और बस बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। और बिल्कुल नेचर के बीच से होके हम लोग जा रहे हैं, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। हम स्पेशली आप लोग के लिए ले रहे हैं ये लोकेशन ताकि आप लोग एंजॉय कर पाए ये वाला हमारा वेदर एंड नेचर। ओके आई थिंक हमें इधर जाना पड़ेगा, पूरा पानी हो गया है, कहीं पर फिशिंग करेंगे देख रहे हैं, पे हर जगह फिशिंग कर सकते हैं। वो देखो माउंटेन, ओ वाओ क्या क्लाउड्स है, पूरा क्लाउड्स नीचे नीचे है। चलो चलते हैं इधर क्योंकि हमें इधर से जाना पड़ेगा एंड उसके बाद में लोकेशन मिल जाएगा। भाई ये रोड देख, एकदम पतला सा नैरो सा रोड और दोनों तरफ जंगल, वाओ मज़ा आ रहा है यार। एंड यहाँ से भी देख रहा है ये पहाड़, ओ वाओ ये आप लोग के लिए हमारे लिए भी नया लोकेशन। ये देख यार यहाँ जा सकते तो वहाँ पर एक लेक भी है, बिल्कुल पहाड़ के सामने आगे एक लेक है, इतना प्यारा लग रहा है ना क्या ही बताऊँ मैं, बहुत खूबसूरत है। नहीं मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं शिलोंग वगैरह में आ गया हूँ, मेघालय वगैरह में। ये देखो यार आप लोग पहले नेचर देख लो फिर वाटरफॉल तो आपको दिख रहा ही है, ये एंजॉय कर लो यार बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही में दोस्तों ये जो लोकेशन आप देख रहे हो जो हम जा रहे हैं सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर है मेरे घर से, और ऐसे तो बहुत सारे लोकेशन है जो हमारे घर के पास बहुत सारे, मतलब बहुत, वाह मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये है एक बहुत ही सुपर्ब लोकेशन, मज़ा आ गया यहाँ पे रुककर। अभी मैं जाने वाले आगे थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, वेदर तो बहुत बढ़िया है और अभी सुबह का आई थिंक 9 या 10 बज रहा है, चलते हैं आगे। लाइक मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतने अच्छे लोकेशन आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वाह। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ से लोकेशन, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहले हम लोग अंदर जाते हैं ठीक है, यहाँ से देखते थे वो ये सब जो पानी है ना यहाँ पे रहती थी कि दिख फिश, बहुत अच्छे अच्छे फिश रहते, ओ वाओ। जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं लोकेशन देखो आप कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इस साइड जब हम वो इधर जाना पड़ेगा हमें, ये देखो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करना हाँ, क्योंकि दिस इज जस्ट अमेजिंग। दोस्तों देखो पहाड़ों के बीच में से लाइक अभी पहुँचने ही वाले हम लोग, ये बर्ड देख, हाँ पूरा एक्चुअली क्लाउड्स ने पूरा माउंटेन ढक दिया है, ये माउंटेन्स बहुत ऊंचे वाले माउंटेन्स हैं, सब ढक दिया है, यहाँ पे तो बहुत फिश मिलेगा। नेट तो लेकर आए, लगाएंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पे चना फिश भी मिल सकता है। अरे मैं अभी आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। तो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पानी भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, फिशिंग तो यहाँ पे क्या होने वाली है। आई जस्ट विश कि मुझे बढ़िया बढ़िया हनीगुरमीज या बाकी अच्छे कलेक्शन मिल जाए। ए बकरियाँ हटो रास्ते से, हटो रास्ते से, हटो भाई, ये देखो इन लोगों, अरे ऐसा लग रहा है ना कश्मीर वगैरह में हम लोग आ गए थे। नाइस वाओ, यहाँ पे चल रहा ट्रैक्टर और ये देखो इन सब बर्ड्स को, आई थिंक ये सब फिश हंट कर रहे हैं यहाँ पे ना जो वाटरफॉल वगैरह से आया हुआ है, कितने सारे हैं देख, बहुत सही लग रहा है। चल आगे चलते हैं, आगे चलते फिर देखते हैं। दोस्तों ये जो आप पानी देख रहे हैं पूरा झरने का पानी है और जो वाटरफॉल है ऊपर ही है ठीक है, तो काफ़ी पानी आ रहा है, इसका मतलब झरने में बहुत पानी होगा। दोस्तों देखो झरने का पानी कैसा लग रहा है। ओके तो दिस इज़ द लोकेशन एंड मैं खुश बहुत ज़्यादा हूँ और बहुत सुकून मिल रहा है, मैं नहीं बता सकता, आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है लोकेशन। देख पा रहे हो पूरा पानी कितने अच्छे से बह के आ रहा है और अच्छा अमाउंट ऑफ पानी है, ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली हमें वाटरफॉल मिलने वाला है ठीक है, काफ़ी वॉक करना पड़ेगा आगे की ओर। एंड इन वाटरफॉल्स में जो फिश रहती है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, आप लोगों को पता है, देखो कैसे बहते हुए जा रहा है, वाओ दिस इज़ जस्ट अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो दो नेट लेके जा रहे हैं देखते हैं, और यहाँ पर दूसरा वाला तीसरा नेट ले रहे हैं, बट आई थिंक ये रख के जा रहे हैं क्योंकि इसको नीचे हमें यूज़ करना पड़ेगा, अभी हम ऊपर जाएंगे ठीक है और देखते हैं। चलो
इन सब जगहों में भी देखना, ऐसे ऐसे जगह में बहुत फ्राइज रहते हैं अच्छे वाले। वाह मजा आ रहा है रे। ऊपर चढ़ते हैं, ठंडा तो ऊपर रहेगा, दोनों तरफ पानी आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है। चलो इधर चलते हैं। स्टोन्स का साइज देखना, बाप रे देख कैसे स्टोन्स है ना पूरा। कहां कहां से जा रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा है ना। बाप रे अंधेरा अंधेरा भी हो गया पूरा। क्या मजा आ रहा है यार, सीरियसली एक्सप्लोरिंग कंप्लीटली लाइक एक्सप्लोरिंग असम एंड फिशिंग। पूरा पानी ओवरफ्लो हुआ है ऐसा लग रहा है, देख कहाँ से आ रहा है पानी। वीडियो करो और उतरो, थोड़ा सा रिस्की होता है। वही नहा लेंगे क्या, फिर ड्रिफ्ट वगैरह जो मिलेगा ना रे भाई। क्या है बुला रहा है, देखते क्या है। क्या हुआ रे कहाँ, ओ वाओ आई डोंट नो हम लोग क्या कर रहे हैं आज। क्या हुआ कहाँ जा रहा है तू, ये ऊपर चढ़े ही जा रहा है। एंड देखो यार वाओ, अभी ऊपर चढ़ता हूँ देखते हैं, आई थिंक ऊपर और भी बढ़िया वाटरफॉल रहेगा। बोल रहा है मैं ऊपर आकर देखे पागल हो जाऊंगा पक्का, आता हूँ। वाओ रियली नाइस। एंड फाइनली मैं बहुत क्लोज आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसके ऊपर भी होगा बट देखो यहाँ नहा के तो मजा आएगा ना, यहाँ पे तो पक्का फिश होंगे, बहुत फ्लोइंग वाटर है, छुपे रहेंगे अंदर अंदर। नाइस बहुत ऊपर से आ रहा है। वैसे ऊपर और भी जा सकते हैं लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। चलो नीचे चलते हैं और करते हैं कुछ फिशिंग, फर्स्ट ट्राई करके देखते हैं। इससे पानी का फोर्स बहुत है। दोस्तों ये है माउंटेन और यहाँ से वाटरफॉल आ रहा है जो हम लोग पहले ड्राइंग करते थे ना वैसा। एंड इस पानी को देखो कलर, एंड इधर के पानी को देखो ब्लू। यहाँ पे फिशिंग करूँगा मैं क्योंकि ब्लू वाटर है, देखते हैं यहाँ पे क्या फिश मिलता है, ब्लू फिश मिलेगा क्या। एनीवेज कितना प्यारा नज़ारा है ना देखो, पहला बैटिश तो मिल गया और कलर देख इसका एकदम ब्लू है पूरा बैटर जैसा। देखो इसको निकालते हैं पहले, फंस गया यहाँ पे। इसका फिन देखना बे, वाओ वाटरफॉल का है इसके। देख ये टेल भी निपके, मुझे लग रहा है कि पूरा ब्रीडिंग के लिए तैयार है इसलिए शायद। वाह खूबसूरत है भाई देख, नाइस। ये काफी लंबा है रे, बहुत ज्यादा लंबा है, बाप रे कितना है उसके हाथ में, ये भी देखो
आई थिंक यहाँ पे छोड़ देते डाल के, ये ठीक है यहाँ पे डाल के, नहीं वो पहले भीगेगा उसके बाद ये अंदर जाएगा। ठीक है यहाँ पे डाल के रख देते थोड़ा टाइम के लिए। तो मैंने एक दो बार ट्राई किया लेकिन यहाँ पे क्या है पता आप लोगों को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ हैं जिससे जो है मेरा नेट ख़राब हो रहा है। तो मैं इसको बार बार वॉश कर रहा हूँ फिर भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब देखो, ये सब चीज़ों की वजह से ना फिश आ नहीं रही है और प्लस एकदम बिगड़ जा रहा है मेरा ये नेट। इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा अभी इसीलिए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ दिनों के बाद जब आएंगे ना ये पूरा क्लियर हो जाएगा, जितनी भी गंदगी निकल जाएगा यहाँ से जो भी नीचे नीचे है वो लकड़ियाँ वगैरह, फिर हम यहाँ पे आराम से फिशिंग कर सकते हैं। अभी मैं वाटरफॉल के श्रिम्प पकड़ने वाला हूँ। जी हाँ, और इस वाटरफॉल के श्रिम्प ना इतने बड़े बड़े साइज के, आप देखो ना आप खुश हो जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जो मिला क्रेफिश मिला दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे जो कलेक्शन होता है वाटरफॉल में ये देखो, एक तो छोटा वाला मिला, ये क्रेफिश बड़ा वाला भी है, और श्रिम्प दिखाता हूँ ये देखो, श्रिम्प्स के साइज देखो एंड कलर भी देखो, ब्लैक ग्रीन यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे कलर मिल जाएंगे आपको, देखो कितना प्यारा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अरे 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 भाग गया ये, मैं दिखाता हूँ आपको ये बैटरी सबको देखो। देखो और मिला क्या, वो ये कहाँ से मिला, ये सब रोटाला है, रोटाला का प्लांट्स लेना, ये सब देख रेड कलर के, अरे क्या साइज है ये देख, ये वाला देख, ये श्रिम्प देख, ये पूरा क्रॉस वाला है मतलब कि स्ट्राइप्स वाला, सॉरी परफेक्ट है रे साइज, दिखा कलर देखो आप, एकदम ब्लैक ब्लैक में है और ब्राउन में भी है एंड यहाँ मार्किंग भी है इनके यहाँ पे बॉडी में, बहुत प्यारा, डाल दो नाइस इतना आया क्या, इतना सारा आया है बाप रे। और ये प्लांट कहाँ मिल रहा है ये डोटाला तेरे को, मतलब बहुत है। हाँ क्या लेते चल, अरे बाप रे नाइस बे, चल मैं भी चलता हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, देखो ब्राउन कलर का है एंड बीच में से एक स्ट्राइप है, कितना प्यारा लग रहा है ना, और साइज देखो कितना बड़ा है एंड आई थिंक ये लोडेड फीमेल है। ओके तो ये आप देख रहे हो ये सब प्लांट्स हैं, मैं यहाँ से ये देखो रोटाला, ए वाओ यार देख ना कलर देख, ये कैसे तू मिस कर रहा है, ये चाहिए मुझे कुछ, ये देखो आई थिंक ये रोटाला है कि क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है बे, वैसा टाइप का लग रहा है बट मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। ये देखो ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं हमारे सेटअप में, ये भी ये दिखा, ये देख ये देख, वाओ क्या ब्लैक है, पूरा ब्लैक है, ये रेड है और ये ब्राउन है, वाओ भाई एकदम जाइंट, ये तीनों के तीनों देखो ना क्या साइज है, नाइस खतरनाक, देखो पूरा ब्लैक 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 कलेक्शन है ना, और साइज देख रहे हो एक भी छोटा नहीं है, सब एकदम एडल्ट्स बड़े वाले, ये कलर देखे बहुत मजा आ रहा है, मैंने कुछ पंच तो ले लिया, क्या हुआ माय गॉड, ये कलेक्शन अगर यहाँ से लेके जाएंगे बाप रे, ये देखना सब देखो दोस्तों क्या बड़े बड़े साइज के, कहाँ से मिला दोस्तों, ये पकड़े जा रहा है क्योंकि इसी जगह पे है, इसके अलावा फिर हमें नहीं मिलेगा, ये वाटरफॉल से आ रहा है सीधा, तो आप सोच पा रहे हो ये देखो इनकी क्वालिटी आप देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, डाल तो यहाँ जमा करता हूँ मैं एंड देन फिर बकेट में ट्रांसफ़र करेंगे, बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हैं, ये तो पूरा ही रेड है, डाल डाल यहाँ पे, चलो उनको रिलीज़ करते हैं, सब गया ना, कितना हो गया यहाँ पे, बहुत सारे हो गए यार एकदम बड़े एडल्ट साइज के, क्या कलेक्शन है, 20 प्लस तो हो गए, 20 क्या है 30 प्लस है, कितने सारे। सो जैसा मैं सोचा था कि यहाँ पे वाटरफॉल में लोग बहुत ज़्यादा जो है एडल्ट और बढ़िया कलर के कलेक्शन लेने वाले हैं श्रिम्प्स का, वो हमें मिला ही है, ठीक है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारा है, तो काफ़ी सारा मिल गया हमें, और ये अभी और भी हंट कर रहा है, देखो यहीं पे मिल रहा है इसी जगह पे है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे रोटा लगा तो प्लांट पूरा भरा हुआ है एंड बाकी एक्वाटिक प्लांट्स भी बहुत सारे हैं, हम लोग सर्च करने से बहुत मिलेगा, ट्रीफिट वगैरह भी बहुत सारा मिलेगा। लेकिन अब मैं करने वाला हूँ यहाँ पे स्नान, मैं नहाने वाला हूँ, नहा वहा कर फिर घर जाएंगे, और फिर क्या बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एनर्जेटिक फील कर रहा है, फिर से फिशिंग करूँ बहुत मज़ा आया, और यहाँ पे मैं फिर से आने वाला हूँ और यहाँ पे बहुत सारे फिशिंग करने वाला, अभी तो मैंने इतने सारे श्रिम्प्स के कलेक्शन लिए हैं, आपको मैं घर पे जाके दिखाने वाला हूँ बाद में, तो चलते हैं अभी और घर पे जाके खाना खाना है, लेकिन लोकेशन ऑसम, कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर देना। तो वापस जा रहे हैं घर,
और लेकर जा रहे हैं यहाँ से काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये घर से हम लेकर जा रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। तो वैसे हम लोग वापस घर ही जा रहे हैं और आप देख पा रहे हो कितना धूप निकल चुका है और वेदर कितना अच्छा हो गया है। देखो यहाँ पे अभी बिल्कुल हम लोग पानी में भीग कर आ रहे थे, बारिश में भीग कर आ रहे थे, और अभी वेदर देखो कितना प्यारा हो गया है। तो ऐसा ही होता रहता है यहाँ पे, एकदम से एकदम चेंज हो जाता है। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके एंड कुछ नया वीडियो से।